नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका हेल्थियंस के एक और एजुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव पे। आज हम कुछ बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, कुछ टिप्स एंड प्रिकॉशंस जो वो फॉलो कर सकती है इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे। जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी जो कंडीशन है उसमें थोड़ी इम्यूनिटी हमारी सप्रेस हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर काफ़ी सारे केमिकल, फिजिकल, मेंटल और आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से इम्यून सप्रेशन तो होता है। तो जाहिर सी बात है, जो जितने भी प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हैं, हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग का, आपके घर के अंदर रहने का जितने भी गाइडलाइंस है, सब कुछ प्रेगनेंट महिलाओं को भी फॉलो करना है और उन्हें थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली और ज़्यादा उसको डिलीजेंटली फॉलो करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। बाहर के लिए ग्रोसरीज लाने की जो जिम्मेदारी है वो बाकी लोग फॉलो करें, प्रेग्नेंट महिलाएं अपने घर पे ही रहें। जो उनका न्यूट्रिशन है, जो उनका खाना है, उसको उस पर खास ध्यान दिया जाए। घर के लोग ये देखें कि उनके न्यूट्रिशन जो है अच्छे से मेंटेन हो, उनके खाने में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर आपका जो है होल ग्रेन्स और हेल्दी प्रोटीन सोर्सेस उनके डाइट में हो। प्रोटीन अगर ये एग्स या चिकन वगैरह अगर इनके लेती हैं तो ध्यान रखें कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो, क्योंकि अनकुक्ड मीट से सल्मोनेला इन्फेक्शन वगैरह एक्वायर करने के रिस्क होती है। दूसरी बात है, प्रेग्नेंट महिला जब भी मौका लगे, जब भी कोई सरफेस पे टच कर रही है तो फ्रीक्वेंटली अपने हैंड को वॉश करें। बाहर से कोई भी व्यक्ति जब घर में कोई सामान लेके आ रहा है, सबसे पहले घर के एंट्रेंस पे एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ताकि वो अपने हाथ को सैनिटाइज करें और प्रॉपरली जब तक वो अपने आप को वॉश करके अपने आप को डिसइंफेक्ट ना करें, वो उस महिला के संपर्क में ना आए। प्रेगनेंसी में वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय मैं ये नहीं सलाह दूंगी कि वो निकल के अपने पार्क पे वॉक करें, क्योंकि उसमें रिस्क है कि वो कोई सरफेस को टच करके अपना मुँह पे हाथ दे सकती है। तो बेटर है कि वो वॉकिंग भी वो अपने घर के अंदर ही करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जाहिर से बात है, इस समय एंटीनेटल विजिट्स के लिए वो फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर के पास फिजिकली जा नहीं सकती, तो अपने जो गायनेक है उनके साथ व्हाट्सएप द्वारा या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा संपर्क में रहे और उनसे जो है जानकारी लेती रहे। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हुए, कोई वार्निंग साइंस हुए, इन वार्निंग साइंस के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। उन वार्निंग साइंस का अगर सिचुएशन अराइज करता है, ऐसे कोई साइंस वो अपने अंदर नोटिस करती है, तो डेफिनेटली उन्हें अपने हेल्थ अथॉरिटीज या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे मिलने जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अगले वीडियो पे मैं बात करूंगी। उसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखा जाए कि घर की जो सफाई है वो प्रेग्नेंट महिला खुद ना करे, घर वाले ये ध्यान रखें कि वो सफाई, घर को साफ रखें महिला के लिए, और हैवी वर्क उन्हें ना दें। वो रेस्ट भी अच्छे से लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। 8 to 10 hours की स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। साथ में रेगुलरली घर के अंदर एक ग्लूकोमीटर और बीपी की मशीन होनी चाहिए, ताकि वीकली उनका जो है ब्लड शुगर और जो है ब्लड प्रेशर की जांच हो। ब्लड प्रेशर जो है 130/80 के नीचे होना चाहिए, और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 mg/dL से नीचे, और पीपी ब्लड शुगर यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हम शुगर लेते हैं वो आइडियली जो है 140 से नीचे आए। इन केस ये इससे ज़्यादा आ रहा है तो भी वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अभी के लिए इतना ही, मैं विदा लेती हूँ आप सबसे। सब अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।